एनटीपीसी भारत की एक महारत्न कंपनी, विश्व की सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ विद्युत उत्पादन कंपनी के रूप में उभर कर सामने आई है। इंटीग्रिटी अ वे ऑफ लाइफ। दिस स्लोगन इज रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेस ऑफ दिस कंट्री टू सेलिब्रेट द विजिलेंस अवेयरनेस वीक। द ऑफिसेस सेलिब्रेटेड प्रेफरेबली। The Maharatna Company of this country, NTPC, organized this program at all their powerhouses, and Northern Zone Headquarters Lucknow organized it at Lucknow and Varanasi. Varanasi, यानी विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी, यहाँ पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ हम आपको रूबरू कराएंगे काशी के ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं धार्मिक स्थलों से। हमारी एंकर स्मृति निकल चुकी हैं अपनी काशी यात्रा पर। भोर का समय हो चुका है और अब हम निकल चुके हैं अपनी यात्रा पे। आइए आपको लेके चलते हैं अस्सी घाट और देखते हैं सुबह ही बनारस का नजारा। सूरज निकलने में अभी देरी है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तरवाहिनी गंगा के तट पे आरती शुरू हो चुकी है और इसी अलौकिक दृश्य को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं। वाराणसी में 80 घाट से लेकर आदि केशव घाट तक कुल 84 घाट हैं, जिनमें से 5 घाट अति महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से सबसे पहला है 80 घाट। वर्तमान में 80 घाट अपने सुबह के इस अलौकिक दृश्य को लेकर के बहुत प्रसिद्ध है। अब हम आपको बताएंगे विजिलेंस अवेयरनेस वीक के फर्स्ट डे के कार्यक्रम के बारे में। पहले दिन वाराणसी के आर्य महिला पीजी कॉलेज में कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में मीडिया के लोगों ने और छात्राओं ने अपने अपने विचार रखे। जसरा आफ्ताब डिस्क्राइब्ड इंटीग्रिटी एज गार्ड। इंटीग्रिटी इज द गार्ड ऑफ आवर कैरेक्टर एंड एन एसेंशियल वर्च्यू फॉर सक्सेस इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। विदाउट इट एवरीथिंग क्रम्बल्स एंड फॉल इनटू मॉरल डिसअरे। द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी आर हायर देन जस्ट बीइंग गुड फॉर अदर्स, सर्विंग अदर्स और बीइंग ऑनेस्ट विद देम ओनली। It's about being honest to oneself and protecting our character. Kiran Seth ne Benjamin Franklin ko quote karte hue kaha, "Imandari ek sarvashreshth niti hai." Yah kahawat Benjamin Franklin ke dwara kahi gayi hai. Yah kahawat to aap sab ne suni hogi. Is sarvashreshth niti ko agar hum apne jeevan shaili bana le to fir kehna hi kya? Jo log imandar hote hain zindagi mein aksar rote hain पर बड़े सुकून से सोते हैं, बड़े सुकून से सोते हैं। हेरा फातिमा ने स्वयं के प्रति ईमानदार होने पे बल दिया। स्वयं के प्रति ईमानदार बनना ही सबसे बड़ी खूबी है और इसी को बोलते हैं इंटीग्रिटी। झूठ बोलने वाला व्यक्ति, बहाने बनाने वाला व्यक्ति, सच्चाई से मुंह मोड़ने वाला व्यक्ति खुद को छलता है। इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस एंड नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस एंड ड्रेडफुल। महिमा केसरी रेज्ड अ क्वेश्चन टू द सोसाइटी। पीपल अराउंड अस डू नॉट ट्रस्ट अस और लेट अस इमेजिन वी आर सराउंडेड विद द पीपल हुम वी कांट ट्रस्ट अस, व्हिच वन इज अ वर्स सिचुएशन। मुस्कान डिफाइंड इंटीग्रिटी एज क्वालिटी। इंटीग्रिटी इज डिफाइंड एज अ क्वालिटी दैट अलाउज एन इंडिविजुअल टू डू द राइट थिंग एज ऑफन एंड एज मच एज पॉसिबल एंड व्हेन दे डू द रॉन्ग थिंग दे एडमिट इट। It is something that means a lot for something and for others they means nothing. It is the integrity is one of the most agreeable quality. Vasudha Yadav said, honest people always get respect in society. Integrity is a rare virtue. People who are honest with their intention and action are respected by the society. Swati Chaurasia described integrity as Aladdin's miracle lamp. Integrity is Aladdin's miracle lamp using which you can accomplish your goal, anything you desire. There is a famous saying which perfectly defines the integrity. Honesty is telling truth to others and the integrity is telling truth to ourselves. Kaushiki Gupta described type of integrity. There are many types of integrity, academics integrity, professional integrity, but persons generally ignore
personal integrity. Personal integrity is very important. When you are not honest to yourself, you cannot be honest to others or other persons. आर महिला पीजी कॉलेज की छात्राओं ने एक लघु नाटिका के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की कि ईमानदारी कहीं हो या ना हो, लेकिन बच्चों में ये आज भी विद्यमान है। अर्जुन जी, तो ये क्या मिला है? अरे ये तो पर्स लगता है। इसमें कितने पैसे हैं? लगता है किसी का रास्ते में गिर गया है। चलो चलो पुलिस अंकल को दे आते हैं, वहीं इसको सही जगह पहुँचाएंगे। हाँ मुन्नू, चलो पुलिस अंकल के पास। हमें पता है वही सही जगह पहुँचाएगी इसको। हाँ मुन्नू चलो। पुलिस अंकल, पुलिस अंकल। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ कैसे? ये देखिए हमें क्या मिला है। ये तो किसी का पर्स लग रहा है। हाँ अंकल, ये हमें रास्ते में गिरा हुआ मिला। और हमें पता है आप ही इसे सही जगह पहुँचाएंगे। बहुत अच्छा किया बच्चा तुमने कि तुम इसे यहाँ ले आए, और मैं इसे इसकी सही जगह पहुँचा दूंगा। मिल गई ईमानदारी, मिल गई। ना इसमें मिली ना उसमें मिली, मैं ईमानदारी आखिरकार इन बच्चों में मिली। कार्यक्रम में आमंत्रित मीडिया के लोगों ने भी ईमानदारी पे अपने विचार प्रकट किए। जहाँ जहाँ भी हम लोग जाते हैं इस बात पे ज़्यादा जोर देते हैं कि व्यक्तित्व निर्माण किया जाए। इसमें ईमानदारी की बात कही गई है, इसमें सत्य और निष्ठा की बात कही गई है। आप अगर गांधी का वो पढ़ेंगे, सत्य के प्रयोग, जो गांधी की आत्मकथा है, तो सारी चीज़ें उसमें आपको बड़ी अच्छी ढंग से मिलेंगी, उदाहरणों के साथ मिलेंगी। ईमानदारी हमारे जीवन का ऐसा अंग है जो देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन वास्तव में हमारे आसपास हर कोई जानता है कि हम ईमानदार कितने हैं। ईमानदारी से आप पढ़ाई करिए, ईमानदारी से सब कुछ करिए, जीवन में जो जीने का अंदाज है वही ईमानदार होगा। आर महिला पीजी कॉलेज की प्रधानाचार्य ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इंटीग्रिटी वे ऑफ लाइफ, ईमानदारी एक जीवन शैली। अभी कुछ लड़कियों ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे से बोला। मेरे ख्याल से हम लोग तो नहीं बोल पाएंगे उतने कॉन्फिडेंस से और उतने अच्छे तरीके से जो लड़कियों ने कहा। इट वाज रियली मार्वेलस, वेरी एक्सीलेंट। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर आयुक्त श्री एम के राय ने ऑनेस्टी के वैल्यूज को डिस्क्राइब करते हुए कहा, ईमानदारी अपने आप में एक ऐसा मूल्य है जिसकी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता है। चाहे हम अध्ययन और शिक्षा के प्रति ईमानदार हों, अपने पेशे के प्रति ईमानदार हों, अपने पारिवारिक संबंधों, सामाजिक दायित्वों के प्रति ईमानदार हों, अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हों। ईमानदारी एक व्यापक शब्द है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें आत्मसात करना चाहिए। आर महिला पीजी कॉलेज के प्रबंधक ने NTPC के प्रति आभार व्यक्त किया। NTPC के द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का जो निर्णय लिया गया है, और उसके लिए सर्वप्रथम इन्होंने आर महिला पीजी कॉलेज का चयन किया है, इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ के DGM साहब और मनीष श्रीवास्तव जी, उनको अपनी तरफ से और महाविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और हार्दिक बधाइयां करता हूँ। NTPC के DGM विजिलेंस SK पांडे ने सफल कार्यक्रम के लिए आभार व्यक्त किया। इस आर्य महिला पीजी कॉलेज की प्राचार्य का भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने NTPC के इस आमंत्रण को स्वीकार किया यहाँ पर कार्यक्रम कराने के लिए, और बच्चों के बीच में अपने पूरी टीम के साथ मेहनत करके उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। ये धन्यवाद के पात्र है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आ चुके हैं NTPC के नॉर्थन जोन हेडक्वार्टर लखनऊ के रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ऑफिस में। आइए बात करते हैं यहाँ के रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री KK सिंह सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्लीज टेल अस व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ वे ऑफ लाइफ। एज यू नो, इंटीग्रिटी इज मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। If you want to succeed in your public life, or you want to succeed in your office places, if you maintain integrity, it is your transparent working, your transparency with your colleagues, your transparency with the obeying the rules and regulations, transparency about in your behavior. Sir, what will be your message to your staff regarding integrity?
they have to maintain transparency in their working, they have to do work speedily, that they should follow all rules and regulations, they should work in transparent manner. Whatever works have been assigned to them, they should perform very diligently and transparent manner, so that it is honesty is spread everywhere and it becomes part of the culture of the organization. So please tell us about the programs that were conducted in Lucknow and Varanasi. Many programs were conducted in Lucknow and Varanasi. The most of the, even IIT BHU participated, most of the girls colleges participated, and in Lucknow also many girls management institutes, engineering colleges and girls schools have participated, and more things were related with the about the awareness about the vigilance, and the many seminars were conducted, debates were conducted, Nukkad Nataks were conducted, even they participated in the marathon and other things also. So its concept was that it should be, integrity should be made part of the everybody's life, not only it should be restricted to the organization, it should be restricted, it should be spread towards the whole society. This was our endeavor. In process we have taken up most of the students so that they are the main flag bearer for the future. थैंक यू सो मच सर। ये है बीएचयू का सिंह द्वार। 1916 में महामना द्वारा स्थापित इस यूनिवर्सिटी में कई विषयों की शिक्षा दी जाती है। बीएचयू के आईआईटी डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स ने मैराथन अगेंस्ट करप्शन के स्लोगन के साथ यहाँ के जिम खाना ग्राउंड से लेकर बीएचयू के कैंपस में एक मैराथन का आयोजन किया था। अरमेला पीजी एवं इंटर कॉलेज की छात्राओं ने जनजागरण के लिए एक विशाल जागरूकता रैली निकाली। आर्मेला पीजी कॉलेज की छात्राओं ने पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक मानव श्रृंखला बनाई। जागरण पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने वाराणसी प्रयागराज मार्ग पर एक वृहद मानव श्रृंखला बनाई। That a person becomes very, very much active in doing all those things which are illegal, unlawful, only for the sake of just getting better and better standard of life. Self-reliance, going beyond sustainability. Sustainability, for example, if you develop corruption laws, are they sustainable or they are just cat-mouse game? कि अभी यहाँ तक चोर के बारे में पता चला है, हमने इतने लॉज बना दिए, चोर और उससे 10 कदम आगे पहुंच गया, फिर इतने लॉज बनाए, फिर विल इट बी फॉरएवर अ मूविंग टारगेट और डू वी हैव समथिंग फ्रॉम इंडियन कल्चर दैट वी कैन लर्न फ्रॉम टू स्टॉप चेजिंग दिस माउस। सो व्हेन वी आर ट्रैप्ड इन दिस फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट, वी आर ऑलवेज ट्रैप्ड इन सम काइंड ऑफ अ बाइनरी ऑफ देयर इज एन ऑप्रेसर एंड देयर इज ऑप्रेस्ड। This is what you are accountable for. So the task, to my mind, before the society and the community again is that we inculcate those values, those morals, those sanskars in us that encourage us to respect those wisely enacted rules and regulations and laws, so that while on our job or doing a performing a duty, we are not directed.
We are not divergent. We give it our 100%. We are not simply sitting back and thinking, if we are in a meeting, that okay, these people are deciding, why do I rack my brains there? अब हम आपको लेके चल रहे हैं काशी के राजघराने की ओर, जहां स्थित है काशी नरेश का किला रामनगर। ये है सामने घाट का पुल जो कि बनारस को रामनगर से जोड़ता है। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं रामनगर की ओर। यही है काशी का ऐतिहासिक किला, जहां पे कभी महाराजा धीराज काशी नरेश रहते थे। ईमानदारी इस प्रकार अच्छे या बुरे या सही या गलत के बारे में नहीं होना चाहिए, बल्कि हम मानते हैं कि ईमानदारी काम करने की क्षमता के लिए एक आवश्यक शर्त है। सबसे बड़ी समस्या है वर्ल्ड लीडर्स का डिसऑनेस्ट होना। ये बात मैंने 70 के दशक में पढ़ा था और मुझे ये बात इतनी अपील की, मैंने कई जगह इस बात को कहा। आखिर मैं कह रहा हूं कि विली ब्रांट ने उस समय कहा कि दुनिया की कोई समस्या, सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, वो है ऑनेस्टी। अगर सारे लोग, वर्ल्ड के सारे लीडर्स ऑनेस्ट हो जाएं, तो दुनिया में कोई समस्या रहेगी ही नहीं। इंटीग्रिटी का सीधे ट्रांसलेशन यदि आप अपने सूत्रों से ले तो ईमानदारी है ही नहीं। ईमानदारी एक पक्ष है, एक कंपोनेंट है इंटीग्रिटी का, जो हम दो केवल उदाहरण आपको देंगे, एक महात्मा गांधी से और एक विवेकानंद जी से, जो दोनों ये चल रहे हैं कंबाइंड, जिसको यूनेस्को में आजकल डील किया जा रहा है। जो आज का ये विषय है कि हम अपने जिंदगी में सिर्फ अपने को हम जितना हद तक सुधार सकें और जो बेहतरी अपने अंदर ला सकें, अपने अंदर जितनी एक तहजीब ईमानदारी का समावेश कर सकें, मेरे ख्याल से वो शुरुआत हमसे ही हो सकती है। हम दूसरे से एक्सपेक्टेशन बंद कर दें और जो कलेक्टिव में कंट्रीब्यूट कर सकता है, आने वाले समय में शायद वही एक महामाना होगा, वो महामाना बनेगा या कुछ बनेगा, शायद ऐसे महामाना की फिर जरूरत पड़ेगी सोसाइटी में। मुझे लगा इतने सुनने के बाद कुछ पॉइंट में मेरे अंदर ईमानदारी की परसेंटेज बढ़ेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये जो अंग्रेजी और हिंदी है, ये दोनों में थोड़ी विषमता नजर आ रही है, यही ऑनेस्टी नजर नहीं है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति, और जो व्यक्ति यदि दृढ़ इच्छा शक्ति है और धारी है, वो कभी विचलित नहीं होता है, और जो विचलित नहीं होता है वो ईमानदार होता है। एनटीपीसी नॉर्दर्न रीजन द्वारा 24 अक्टूबर 2019 से 5 नवंबर 2019 के बीच में बनारस एवं लखनऊ में विभिन्न विद्यालयों में तरह तरह के कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए, जिसमें कि करीब 4000 बच्चों ने, बनारस में हमारे विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया, तथा लखनऊ में करीब 1200 बच्चों ने, विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और इस बार की जो थीम रखी गई थी वो थी इंटीग्रिटी वे ऑफ लाइफ, और मैं स्कूल के प्रबंधकों एवं सभी बच्चों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने एनटीपीसी के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब कभी भी हम ईमानदारी की बात करते हैं तो हमें याद आती है भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। आज हम उनके पैतृक आवास के पास आए हुए हैं। यही है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पैतृक आवास। यह है बनारस का सबसे पुराना पुल, जो कि 1887 में बनकर तैयार हुआ था। यह पुल दीनदयाल नगर को बनारस से जोड़ता है। यह पुल एक डबल डेकर पुल है, जिसके ऊपर सड़क और नीचे से रेल चलती है। 1948 से इस पुल को मालवीय पुल के नाम से भी जाना जाने लगा, और स्थानीय लोग इस पुल को राजघाट पुल भी कहते हैं। इंटीग्रिटी मींस अ क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल। इट इज रिगार्डेड एज ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस और एक्यूरेसी ऑफ वन्स एक्शन।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हो सकता है ईमानदारी को अपने जीवन में अपनाते समय कई रुकावटें आए, तुम 100 बार नहीं 1000 बार हारो, तुम 100 बार नहीं 1000 बार गिरो, पर याद रखना तुम जितनी बार गिरोगे ना, जीत के लिए तुम्हारी चाह उतनी ही बढ़ेगी। इंटीग्रिटी इज अलादीन्स मिरेकल लैंप यूजिंग विच यू कैन अकॉम्प्लिश एनीथिंग यू डिजायर। इंटीग्रिटी इज द फ्रूट ऑन द ट्री ऑफ इंडस्ट्री, परसिवरेंस एंड डेडिकेशन टू एक्सीलेंस। Integrity means to be honest and helpful to others in any situation. It means to be your own role model. There's a famous saying which perfectly describes this word integrity. Honesty is telling the truth to the other people. Uprightness is telling the truth to ourselves. I believe it's very difficult to make it a way of life. Tabhi to kisi ne kaha hai, sach barabar tap nahi, jhoot barabar paap. जाके हृदय सांच है ताके हृदय आ। हर रिश्ते नाते व संबंध में स्पष्ट और पारदर्शी होना ही तो ईमानदारी कहलाता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे गुणों की जो एक ईमानदार व्यक्ति के साथ खुद ब खुद चले आते हैं और जिसके फलस्वरूप हर रिश्ते नाते व संबंध मजबूत होते चले जाते हैं और यह बात पुख्ता हो जाती है कि ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। Honesty is telling the truth to others, but integrity is telling the truth to myself. Na teer na talwar se marti hai sachchai. Na teer na talwar se marti hai sachchai. Jitna dabao utni hi ubharti hai sachchai. Jitna dabao utni hi ubharti hai sachchai. Unchi udaan hai jab bharte hain fareb. Unchi udaan hai jab bharte hain fareb. Aakhir mein uske pankh katarti hai sachchai. Aakhir mein uske pankh katarti hai sachchai. अब हम आ चुके हैं बनारस के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल रोजा लाल खा पे। इसका निर्माण तत्कालीन काशी नरेश ने 1773 में करवाया था। लाल खा काशी नरेश के सेनापति थे और उन्होंने अपनी वीरता के बल पर काशी के विस्तार में प्रमुख योगदान दिया था और उनकी इच्छा अनुसार तत्कालीन काशी नरेश ने यह मकबरा बनवाया था। आइए कुछ कार्यक्रमों की बात करें। 25 अक्टूबर को 3 विद्यालयों में कार्यक्रम हुआ। तीनों विद्यालयों में एनटीपीसी द्वारा आमंत्रित संस्था ने छात्राओं के बीच ईमानदारी एक जीवन शैली पे नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। तो भाई, टिकट है? बेटा ये देखो, टिकट हमारे पास है। अरे मास्टर जी। हाँ भैया, ये तो जनरल बोगी का टिकट है, आप रिजर्वेशन में आकर बैठ गए। नहीं नहीं भैया, गलती से हम जो है चढ़ने के लिए जनरल में जाते तो बुढ़े आदमी वो जनरल डब्बा आगे होता है, हम बीच में खड़े थे वहीं चढ़ गए हैं। देखिए अब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अब आप लोगों के ऊपर पेनल्टी लगेगी, रखिए इसको। अरे भैया पेनाल्टी काहे काट रहे हो, तुम्हारे जैसे कितने बच्चों को हमने पढ़ाया है, पढ़ा पढ़ा के आगे बढ़ाया। अरे भाई पढ़ाया है तो आपने पैसा भी तो लिया होगा, फ्री में तो पढ़ाए नहीं होंगे। नहीं भैया वो बात नहीं है, हम कोई जानकर अपराध नहीं किए हैं। अब देखिए एक ही इसका जो है सोल्यूशन हो सकता है। क्या? देखिए आप लोग दो लोग जा रहे हैं, ऐसा करिए कि एक आदमी का पैसा आप हमको दे दीजिए, मैं आपको जो है आगे जाने का इंतजाम कर दूंगा। दादी दे दीजिए, क्यों किस करते हैं? अरे बेटा हमने पूरे अपने 60 साल तक उम्र में लोगों को ईमानदारी की पाठ पढ़ाई है, हम बेईमानी कैसे करा सकते हैं बताओ। इसीलिए आप जो है जनरल बोगी की टिकट लेके रिजर्वेशन में आकर बैठ गए। बार बार बेटा बता रहे हैं। अरे क्या बता रहे हैं आप? पाणिनी कन्या महाविद्यालय, यहाँ विभिन्न राज्यों से आई लड़कियाँ संस्कृत एवं वेद की शिक्षा ग्रहण करती हैं। यहाँ की एक छात्रा ने संस्कृत में ईमानदारी एक जीवन शैली पे कविता बताई। गृहे गृहे ग्रामे नगरे वा स्वच्छ भारतम करणीयम, जने जने लोके जागरणम राष्ट्रमंडले करणीयम। आइए बात करते हैं अगले कार्यक्रम की। कुछ छात्राओं के समूह ने एक गीत के माध्यम से ईमानदारी का संकल्प लिया। वर्ष
भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे हम। कोई हक ना छीने लेगा, किसी का हक ना छीने हम। नियमों का पालन करेंगे, शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। कोई हक ना छीने मेरा, किसी का हक ना छीने हम। नियमों का पालन करेंगे, शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। पारनी महाविद्यालय की छात्राओं ने ईमानदारी पर एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई, जिसके अवलोकन के बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रजनीश रस्तोगी ने छात्राओं को पुरस्कृत किया। आइए अब हम एनटीपीसी नॉर्दर्न रीजन लखनऊ के एजीएम एचआर श्री मणिकांत जी से बात करते हैं। सर, आप प्लीज हमें बताइए, विजिलियंस अवेयरनेस वीक के दौरान कौन कौन से जो प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज किए गए आपके थ्रू? मुख्यतः सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन एनटीपीसी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं में किया गया, और विशेषतः जो हमारा रीजनल मुख्यालय है लखनऊ, इसको दो शहरों की जिम्मेवारी दी गई थी, वो है लखनऊ और वाराणसी। जहाँ तक वाराणसी का सवाल है, वहाँ पर तकरीबन 10 स्कूल, 2 डिग्री कॉलेजेस, 2 यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम किए गए। मीडिया के साथ अलग परिचर्चा की गई, प्लस काव्य गोष्ठी भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रयास किया, जो हमारी जिम्मेवारी दी गई है पब्लिक में अवेयरनेस लाने की, उस पर हम खरे उतरे, और हमें लगता है कि हम लोग खरे उतरे भी। ये तो रहा हमारा प्रयास। जो हमारे 8 प्रोजेक्ट हैं इस रीजन में, वहां पर भी न केवल प्रोजेक्ट में बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, इम्प्लॉयज के लिए प्रोग्राम्स किए गए, साथ ही जो आसपास का हमारा जो क्षेत्र है, जो गांव है, वहां ग्राम सभाएं की गई, वहां के ग्रामीण स्कूलों में भी कार्यक्रम किए गए। हमें लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास था और सराहनीय प्रयास था, और हमारी टीम ने, जो हमारी टीम है जो यहाँ लखनऊ वाराणसी या प्रोजेक्ट्स की टीम है, उन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया। बेसन थियोसॉफिकल स्कूल वाराणसी में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहाँ के बच्चों ने ईमानदारी पर अपने विचार रखे। एक छात्र ने राजा हरिश्चंद्र को कोट करते हुए कहा, राजा हरिश्चंद्र जो कि ईमानदारी के लिए अपने बहुत ही प्रसिद्ध है, उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा, और उन्होंने अपने पुत्र एवं पत्नी को पहचान लेने के बावजूद उनसे कर मांगा। ईमानदारी एक भाव है, जब तक उसे हम अपने मन से अपने सब कहें ना कि अब हमें ईमानदार बनना है, तब तक ईमानदारी नहीं आती। इसी दिन मुकुला रंजन स्कूल वाराणसी में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ के बच्चों ने सबसे पहले ईमानदारी की शपथ ली। भ्रष्टाचार एक बड़ी बात है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार नागरिकों तथा निजी क्षेत्रों को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा
एवं निष्पक्ष निर्णय दूंगा, जनहित में कार्य करूंगा, अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। मुकला रंजन के छात्र मोहम्मद खुबैब ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि इंसान को सबसे पहले खुद के प्रति ईमानदार होना चाहिए। इंसान अगर अपने प्रति ईमानदार हो जाए तो गोया वो दूसरे के प्रति अपने आप ईमानदार हो जाएगा, क्योंकि इंसान कभी अपने खिलाफ नहीं जाता, अपने खिलाफ कोई सौदा नहीं करता या अपने खिलाफ खड़ा नहीं होता। ऑनेस्टी इज अ फैक्ट ऑफ मोरल कैरेक्टर, इट वॉज स्ट्रॉन्गली कोटेड बाय खुशी तिवारी ऑफ मुकला रंजन। Honesty is a fact of moral character. When you will be honest person, you will build a strength of character that will allow you to be a great service to God and others. You will be blessed with peace of mind and self-respect. Miss Shivangi quoted Thomas Jefferson and she says, Thomas Jefferson द्वारा कही गई एक और कहावत में बुद्धिमानी की किताब में ईमानदारी सबसे पहला पाठ है। ऑनेस्टी अगर देखा जाए सिर्फ 7 लेटर्स का एक वर्ड होता है जो शायद आपके लाइफ के 7000 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। यहाँ भी प्रतिभागियों को सहभागिता के लिए मुख्य अतिथि श्री रजनीश रस्तोगी ने पुरस्कृत किया। ये है वाराणसी का आदि केशव घाट। मान्यता के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु सबसे पहले पधारे थे और उन्होंने स्वयं अपनी खुद की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की। यदि हम ईमानदारी से कोई कार्य करते हैं तो ही हम उस कार्य में सफल हो सकते हैं, और यदि हम बेईमानी से कोई कार्य करते हैं तो भले ही हमें उस समय कोई हानि ना हो परंतु बाद में हमें उस बेईमानी का परिणाम अवश्य देखने को मिलेगा। एक किसान जितनी ईमानदारी से अपने फसल को उगाता है उतनी बेईमानी से बेचौलिया उस फसल को बेचता है। जिस ईमानदारी से किसान को मिले सुकून का पता इस बात से चलता है कि उस ईमानदारी और बेईमानी के चक्कर में फसल का गुणधर्म ही बदल जाता है। उस ईमानदारी और बेईमानी के चक्कर में फसल का गुणधर्म ही बदल जाता है। मिर्ची खाने से ज्यादा खरीदने में तीखा लगने लगता है, लेकिन फिर भी बेचौलिए को चैन नहीं मिलता और किसान आराम से सोता है। यहाँ तहजीब दिखती है यहाँ फरमान दिखते हैं, यहाँ तहजीब दिखती है यहाँ फरमान दिखते हैं, जरा तुम दाग को बोलो यहाँ ईमान दिखते हैं। आज हमारा देश में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है जिसके कारण हमारा भारत देश उन्नति और वृद्धि की ओर अग्रसर होने में वो असफल हो रहा है। कि इत्र से कपड़ों को महकाना कौन सी बड़ी बात है, कि इत्र से कपड़ों को महकाना कौन सी बड़ी बात है, मजा तो तब है जब खुशबू आपके किरदार से आए, जब खुशबू आपके किरदार से आए। तो बात हो रही है ईमानदारी, ईमानदारी और बेईमानी। बेईमानी की मिसाल मैं कुछ इस तरीके से देना चाहूंगी कि जिस प्रकार से पहाड़ से उतरना हो, यानी जब आप पहाड़ से उतरते हैं अगर एक कदम आगे बढ़ा तो अगला कदम अपने आप बढ़ेगा और आप सड़सड़ाते हुए नीचे गिर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ईमानदारी, ईमानदारी पहाड़ पर चढ़ने जैसा कार्य है, मतलब एक कदम आगे बढ़ाया तो अगला कदम पहले कदम से ज्यादा कठिन होगा। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा कि आपको बुलंदी जरूर मिलेगी, आपको बुलंदी जरूर मिलेगी। सर मुझे बताइए कि लखनऊ रीजन में एनटीपीसी के द्वारा विजिलेंस अवेयरनेस वीक में कौन कौन से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए गए? वैसे तो उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय लखनऊ के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएं आती हैं, सभी जगह ये प्रोग्राम आयोजित किए गए। लखनऊ में विशेष रूप से हमने जो कार्यक्रम आयोजित कराए थे उसमें हमारा उद्देश्य ये था कि हम सारे एज ग्रुप के बच्चों को और
बालिकाओं को शामिल करें। उसमें हमने नवोदय विद्यालय के बच्चों को शामिल किया, नारी शिक्षा निकेतन के जो गर्ल्स स्टूडेंट्स थी इंटर कॉलेज की उनको हमने शामिल किया। उसके अलावा इंजीनियरिंग के जो छात्र छात्राएं थे अम्बालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के, इसके अलावा IIT का जो मैनेजमेंट उनका डिपार्टमेंट है MBA के, वहाँ के बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सेदारी की। मतलब एक हमारा प्रयास था कि हर तबके के बच्चे जो किसी भी डिसिप्लिन में पढ़ रहे हैं उन सबको हम कवर करें। और ये बच्चे काफ़ी छोटे उम्र के थे जो कि 8 साल से लेके 12 साल 14 साल तक के थे। मतलब ये एक ऐसी एज होती है कि अगर इनमें हम कोई भी बात अगर डालते हैं तो उनके दिलो दिमाग में छा जाती है। और ये जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का उद्देश्य भी यही है कि नौनिहालों में बच्चों में कॉलेज के जो हमारे स्टूडेंट्स में अभी से ईमानदारी के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ाई जाए जिससे कि वो एक अच्छे नागरिक बन सकें। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है जो भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है और NTPC को जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसका निर्वहन हमारे प्रबंधन ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। न केवल लखनऊ में बल्कि वाराणसी के विभिन्न विद्यालयों में कई तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्टूडेंट ऑफ जागरण पब्लिक स्कूल कोटेड रामायण इन डिबेट ऑफ इंटीग्रिटी ए वे ऑफ लाइफ। इंटीग्रिटी मस्ट बी अ पार्ट ऑफ लाइफ। राम फॉलोड इंटीग्रिटी थ्रू आउट हिज लाइफ बट व्हेन इट बिकेम नेसेसरी टू नॉट फॉलो इट ही डिड व्हाट वाज राइट। कमिटिंग a dishonest act for the sake of whatever you are saying what he did, yeah, welfare of the society, yeah, she continued it, I said it in my speech, you can do anything which is against integrity but it should be the welfare of yourself for society for। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं महात्मा बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ। ये है महात्मा बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ। यहाँ पे स्थित ये धम्मेक स्तूप आज भी सारनाथ की प्राचीनता का बोध कराता है। यहाँ का अशोक स्तंभ भारत सरकार के राज्य चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। उस अशोक स्तंभ को यहाँ के पुरातत्व संग्रहालय में देखा जा सकता है। नदिया चले चले रे धारा हो, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे तारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चल देंगी राह, तू न चलेगा तो चल देंगी राह, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाह, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। भ्रष्टाचार ये शब्द का मतलब है बुरा व्यवहार, किसी भी काम को अपने फायदे के लिए नियमों के खिलाफ जाकर या गलत तरीके से किया जाए तो वो भ्रष्टाचार कहलाता है।
भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। ये देश मेरा है, इसे आगे ले जाना, देखेगा समाना, इसे आगे ले जाना। ये देश मेरा है, इसे आगे ले जाना, देखेगा समाना, इसे आगे ले जाना। हम आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट पे। काशी के पांच प्रमुख घाटों में से दशाश्वमेध का स्थान विशेष माना जाता है। काशी की धार्मिक यात्रा करने निकले श्रद्धालु इस घाट पर जरूर आते हैं, क्योंकि इसे शहर का मुख्य घाट माना जाता है। अभिनंदन तेरी जय होगी, भारत माँ पलक बिछाए है तेरी अगवानी में, कब से धरती पर फूल बरसते हैं, करते हैं नमन तुझे नभ से। हर आहट पर धड़कन रुकती, हर आहट पर धड़कन रुकती, उठती थी आँख कभी झुकती, उठती थी आँख कभी झुकती। चलो चलो एक दुनिया की तुमको सैर कराते हैं, आओ कुछ पल की खातिर बचपन में खो जाते हैं। चलो चलो एक दुनिया की तुमको सैर कराते हैं, चलो चलो एक दुनिया की तुमको सैर कराते हैं, आओ कुछ पल की खातिर बचपन में खो जाते हैं, चलो चलो एक दुनिया की। काम काम कर रहे, काम काम कर रहे, रात दिन ये मर रहे, धूप से परेशान तीक्ष्ण वायु सह रहे। मजदूर बेचारे काम काम कर रहे, रात दिन ये मर रहे, धूप से परेशान तीक्ष्ण वायु सह रहे। कार्य के परिवेश में एक ही उद्देश्य है, रूप अति सौम्य अजीब इनका वेश है, पसीने से लत पथ तन को रहे पूं। भारत माँ के वीर सपूतों, तुमने फिर मान बढ़ाया है, दुश्मन की सीमा में घुसकर उसको सबक सिखाया है, और छाती तोड़ी हुई देश की, छाती तोड़ी हुई देश की तुम वो, तुम्हारी जय जयकार, ध्वस्त किया मनसूबा पाक का, किया है तुमने ऐसा वार। काया डरपोक हमारा शत्रु, छुप छुप कर हमला करता है, अब पिछली हार भूल न पाया, दो दो हाथ से डरता है। काया डरपोक हमारा शत्रु, छुप छुप कर हमला करता है, पिछली हार भूल न पाया, दो दो हाथ से डरता है। बहुत मनाया हमने उसको, बहुत मनाया हमने उसको, और कहा मान ले जाओ, लेकिन एक न मानी उसने, लेकिन एक न मानी उसने, बोला घुसकर तुम दिखलाओ। हम आ चुके हैं मणिकर्णिका घाट, और हमारे साथ हैं एनटीपीसी वाराणसी के असिस्टेंट मैनेजर श्री मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव जी। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। सर, क्या मुझे आप बता सकते हैं कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक में आपने कौन कौन से कार्यक्रम किए हैं? विजिलेंस अवेयरनेस वीक भारत सरकार के CBC द्वारा चलाया गया था। यहाँ वाराणसी के कॉलेजों में हमने 24 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक विभिन्न अवेयरनेस कार्यक्रम किए, जिसमें आर्य महिला PG कॉलेज और आपका मुकुलारण्यम इंग्लिश स्कूल, बेसेंट थियोसॉफिकल स्कूल, जागरण पब्लिक स्कूल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जैसे लगभग हम स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को उसमें हमने इन्वॉल्व किया। क्या मुझे बता सकते हैं कि आप मणिकर्णिका घाट पे क्यों लेकर आए, कोई स्पेसिफिक रीजन इसका? देखो, सामने देख रही हैं तमाम चिताएं जल रही हैं, सभी इंसान को एक दिन यहीं पर आना है, और उनके अंदर यह जिस दिन एहसास हो जाएगा कि यहाँ से हमें एक नया पैसा भी आगे लेकर नहीं जाना है, कुछ भी नहीं ले जाना है, तो उनके अंदर अपने आप ईमानदारी जागेगी। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको दिखाया सुबह बनारस की आरती का दिव्य नजारा, और अब हम आ गए हैं राजेंद्र प्रसाद घाट पे, और अब हम आपको दिखाने वाले हैं शाम की आरती के दिव्यतम और अलौकिक दृश्य।